छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बघेल सरकार पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता का बघेल सरकार से भरोसा टूट चुका है। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र का जनता हिसाब मांग रही है। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के 19 वादे अधूरे हैं। रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। अब भरोसा तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता का टूट चुका है। विश्वास भरोसा तोड़ने का काम तो भूपेश जी ने ही किया। जन घोषणा पत्र जनता हिसाब मांग रही है, पूछ रही है, और जन घोषणा पत्र के सारे 19 वादे अधूरे हैं, तो भूपेश जी और उनकी सरकार जवाब दे कि पहला तो विश्वास जनता की तोड़ा है, तो अब जनता को दोबारा भूपेश सरकार पे भरोसा करने का कोई कारण ही नहीं बनता। भाई करप्शन बंद करो, शराब में अवैध शराब की बिक्री 40% जो हो रहा है उसको बंद करें, कोयले का 25 रुपया जो वसूली हो रही है वो बंद करें, और जिस प्रकार अभी तो एक नया भ्रष्टाचार का मामला आ गया जिसमें 700 करोड़ से ऊपर का कस्टम मिलिंग में 40 रुपया को बढ़ा के 120 रुपया कर दिया। अब कस्टम मिलिंग में 20 रुपया प्रति टन क्विंटल वसूली अवैध रूप से हो रही है। मनेन्द्रगढ़ के शासकीय कार्यालय परिसर में